गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम। एक बड़ी खबर है जिसके चलते आप लोगों के सामने इस वीडियो को बना रहा हूँ। 14 तारीख जून 14 को आपने देखा कि किस तरह से दुनिया भर के लोगों ने श्रद्धांजलि दी सुशांत सिंह राजपूत को। इस मामले में सीबीआई, एनसीबी और एम्स ने अपने अपने बयान दिए। आपने देखा कि सीबीआई का बयान आया कि हर एंगल पर इस केस की जाँच की जा रही है। बाद में एनसीबी के समीर वांकडे कहते हुए दिखे कि ये वाटर टाइट केस है और इसमें कन्विक्शन के मामले में वो 100% कन्फर्म है कि कन्विक्शन होगा। लेकिन वहीं एम्स की एक रिपोर्ट आई। अब उसी के चलते मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को साझा कर रहा हूँ। आप एम्स की रिपोर्ट सुनिएगा और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहने वाले उस कुक के बयान को भी ध्यान से सुनिएगा और खुद ही जज कीजिएगा कि कितनी सच्चाई है एम्स की रिपोर्ट में। मैं आपको बता दूं, एम्स के वर्ड टू वर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि सीबीआई द्वारा गठित एम्स की फॉरेंसिक टीम ने जो रिपोर्ट दी वो क्या थी, कुक का जो बयान था वो भी सुनिएगा और आप खुद इस बात को जज कीजिए कि क्या है एक्चुअल सच्चाई या दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ये भी एक सवाल या निशान है। सीबीआई द्वारा गठित एम्स की फॉरेंसिक टीम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को सुबह लगभग 10:10 में आत्महत्या की है। उन्होंने 9:30 बजे पानी और अनार का जूस पिया था। पानी, अनार का जूस 9:30 बजे, 10:10, तो ये टाइमिंग और ये जो जूस की बात कही गई है इसको आप ध्यान से सुनिएगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने घर के नौकर से ये दो चीज़ें मंगाई थी, जूस और पानी को मुंह से गॉल ब्लैडर तक जाने में कुछ वक्त लगा है। इसके अलावा सुशांत के शरीर में चोट के कोई निशान नहीं है, इसके अलावा शरीर में शराब भी नहीं है। मौत का कारण, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत का कारण एस्फिक्सिया बताया गया। एस्फिक्सिया तब होता है जब आपके शरीर को आपके पास से बाहर रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यदि सुशांत ने शराब या सिगरेट पी होती तो एस्फिक्सिया के कारण उनकी मौत का पता लगाना आसान नहीं होता। वहीं गर्दन पर निशान लटकने के कारण कारण है गर्दन का निशान लटकने के कारण है तो आप जो वीडियो मैं इसमें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं उसे सुनिएगा। नीरज जो कुक है उसका वीडियो आप सुनिए, देखिए और समझिए। और उसमें दो पॉइंट्स जो सबसे खास आपको ध्यान देने हैं वो है टाइमिंग और जो सुशांत ने पिया उसको, और एम्स की रिपोर्ट को मैच करके देखिए और फिर बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। 14 जून को वो 6 बजे उठे थे। उस दिन मेरा टाइम क्या था, मैं 7 बजे उठता था, फिर आधा घंटा मैं डोगी को वॉक करा के लेके आता था। तो 6 बजे उठे थे, थोड़ा उन्होंने शायद थोड़ा वो किया होगा इधर उधर जैसा भी, तो फिर वो आए 8 बजे के आसपास। तो मैं उनके गेट से सफाई कर रहा था तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे, ठीक ठाक माइंड में। हाँ, तो सर ने मेरे को बोला नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर, मैं फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया, ठंडा पानी उनको दिया। देने के बाद सर ने पानी पिया तो जस्ट मुझे गिलास दिया, तो देने के बाद बोला सब ठीक है ना, मामला नीचे। मैंने कहा हाँ सर सब कुछ ठीक है, ओके, हल्का फेस में स्माइल दिया। तो उसके बाद वो रूम पे चले गए, उसके बाद मेरा करने नहाने धोने जो है सफाई पे करने चला गया। फिर उसके बाद 10:30 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले सब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज वरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो वो जो सेफ है वो तीनों लेके गए ट्रे में,
तो सर ने गिलास जूस और जो है हाँ ट्रे नहीं लिया, उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूंगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें क्लैरिटी आ गई है 100% कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ झोल है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या है पूरी सच्चाई। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि एम्स की रिपोर्ट पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको बॉडी नहीं मिली थी और इन्होंने सिर्फ कूपर के रिपोर्ट पर एक रिपोर्ट बनाई, लेकिन उसमें भी आप देखिए कूपर की रिपोर्ट में पोस्टमार्टम में डेथ ऑफ टाइम नहीं था। एम्स ने कैसे डेथ ऑफ टाइम बता दिया, ये एक बड़ा मैटर है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये वही लोग बता सकते हैं जो कि इस मामले में एक्सपर्ट है। लेकिन एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मुझे तो नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है और क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ एक से मैच नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत केस में SSRians के लिए, SSR फैंस के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो जस्टिस की मांग कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो है कि आप एम्स की रिपोर्ट को तवज्जो ना दें और जस्टिस की मांग कंटिन्यूसली करते रहें। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।